Hello everyone. In this lecture we will define Cartesian product of two sets. Cartesian product of two sets ये बहुत important definition है क्योंकि इसका इस्तेमाल हम relations को define करने के लिए करेंगे. तो हम definition recall करते हैं Cartesian product of two sets की. Let A and B are two sets, then the Cartesian product of A and B is denoted by A cross B is defined as ये एक ऑर्डर पेयर का कलेक्शन है. ए क्रॉस बी एक ऑर्डर पेयर का कलेक्शन है जिसमें ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी टाइप का होगा एलिमेंट्स. तो ए स्मॉल ए जो होगा वो पहले सेट यानी कि कैपिटल ए में जाएगा और स्मॉल बी जो होगा वो कैपिटल बी में जाएगा. इसी तरह हम बी क्रॉस ए को भी डिफाइन कर सकते हैं. बी क्रॉस ए को किस तरह से डिफाइन करेंगे? तो B क्रॉस A में किस टाइप के एलिमेंट होंगे? B कॉमा A ऑर्डर पेयर टाइप के एलिमेंट होंगे सच दैट जो स्मॉल b होगा वो फर्स्ट सेट यानी कि कैपिटल B का मेंबर होगा और स्मॉल a जो होगा वो कैपिटल A का मेंबर होगा. तो इस तरह से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट दो सेट का डिफाइन करते हैं. अब हम एक एग्जांपल देखते हैं, अच्छे तरह से इसको समझ लेते हैं. तो A इज इक्वल टू ए के हमने लिया एक सेट 1, 2 और B एक सेट लिया 3, 4. तो हम A क्रॉस B कैसे बनाएंगे? तो A क्रॉस B में ऑर्डर पेयर का कलेक्शन होगा. तो ऑर्डर पेयर का कलेक्शन यानी कि ऑर्डर पेयर हम कैसे बनाएंगे? वन जो होगा ये एसोसिएट होगा B के हर एक एलिमेंट के साथ. तो 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4. तो 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4. तो ये सारे ऑर्डर पेयर का कलेक्शन है. तो ए क्रॉस बी में चार एलिमेंट हुए यानी कि इसके एलिमेंट जो हैं ऑर्डर पेयर टाइप के हुए. इसी तरह हम बी क्रॉस ए को डिफाइन कर सकते हैं. तो बी का हर एक एलिमेंट ए के हर एक एलिमेंट के साथ एसोसिएट कर होके ऑर्डर पेयर बनाएगा दैट इज 3, 1, 3, 2, 4, 1 एंड 4, 2. अब इन दोनों को हम ध्यान से देखें तो ये दोनों इक्वल नहीं है यानी कि A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A. अब क्वेश्चन ये है कि ये दोनों इक्वल क्यों नहीं है? तो हम ऑर्डर पेयर कब इक्वल करते हैं? तो 1, 3 और 3, 1 देखिए ध्यान से. तो इसका पहला जो कंपोनेंट है वो A का मेंबर है यानी कि 1 जो है वो A का मेंबर है और 3 जो है वो B का मेंबर है. इसी तरह इसमें 3 B का मेंबर है और 1 A का मेंबर है. तो हम अगर हम ये देखते हैं कि A कॉमा B एक ऑर्डर पेयर है और दूसरा ऑर्डर पेयर हमने लिया वो C कॉमा D लिया. तो क्या ये 1, A, B और C कॉमा D ये दोनों इक्वल कब होंगे? जब इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हैं यानी कि दे आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ A इज इक्वल टू C एंड B इज इक्वल टू D देन दीज टू ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल. तो इस तरह से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिफाइन करेंगे जिसमें हम ऑर्डर पेयर्स का कलेक्शन लेंगे. अब हम ये देखते हैं कि हम A क्रॉस A कैसे डिफाइन करें. अगर A मान लीजिए हमारे पास ये सेट है 1, 2 तो हम A क्रॉस A कैसे डिफाइन करेंगे उसके लिए हम देखते हैं. तो A का हर एक एलिमेंट A के हर एक एलिमेंट के साथ एसोसिएट होकर ऑर्डर पेयर बनाएगा यानी कि 1, 1, 1, 2, 2, 1 एंड 2, 2. तो A क्रॉस A जो है ऑर्डर पेयर बनेगा. अच्छा इसमें हम एक चीज़ और नोटिस कर सकते हैं कि A क्रॉस B और B क्रॉस A इक्वल कब होंगे. तो A क्रॉस B और B क्रॉस A इक्वल कब होंगे? जब A और B दोनों सेम सेट हो जाएं. जैसा कि हम A क्रॉस A हमने कंस्ट्रक्ट किया इसमें हम देख रहे हैं. इसी तरह हम A क्रॉस B और B क्रॉस A को तब इक्वल कर सकते हैं. ये दोनों तब इक्वल होंगे इफ एंड ओनली इफ A इज इक्वल टू B. तो इसमें हमने ये सीखा कि हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन करते हैं और अगर कोई हमें दो सेट दिया हो तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे फाइंड करेंगे. इसका डिटेल्ड लेक्चर मैंने क्लास 11th की जो प्लेलिस्ट है उसमें बना दिया है. तो कार्टेशियन प्रोडक्ट की डिटेल्ड स्टडी के लिए आप उसको देख सकते हैं. तो इसमें हम ये जान लेते हैं कि हम कार्टेशियन प्रोडक्ट का यूज़ करके आगे अगले लेक्चर में रिलेशंस को डिफाइन करेंगे और फिर उसके बाद हम फंक्शंस को डिफाइन करेंगे. ओके.